नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बबरगंज एसएचओ पर महिलाओं ने लगाया मारपीट का आरोप, कहा पति है अपराधी तो उन्हें दे सजा, मुझे क्यों मारते हैं साहब। ततारपुर पुलिस ने शराब पार्टी करते 5 युवक को किया गिरफ्तार, सेक्स रैकेट की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस। श्रावण की पहली सोमवारी को लेकर हजारों टाक कांवरिया देवघर और पासुकीनाथ धाम हुए रवाना, बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा कांवरिया पथ। शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और नवगछिया के शेफू बनी सब इंस्पेक्टर। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर बबरगंज थाना की पुलिस ने शनिवार की देर रात मोगलपुरा के रहने वाले अपराधी फिरोज के घर पर दबिश दी, जहां उसकी पत्नी बीबी नात्रा और मां शवाना मिली। आरोप है कि बबरगंज थाना प्रभारी सिकंदर यादव ने दोनों महिला के साथ पूछताछ के नाम पर मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। थाना प्रभारी पर महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सुबह करीब 3 बजे पुलिस फिरोज की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर पहुंची, लेकिन वहां फिरोज नहीं मिला। इसके बाद एसएचओ सिकंदर यादव का पारा चढ़ गया और उन्होंने घर में मौजूद महिलाओं की पिटाई कर दी। आरोप है कि महिला कांस्टेबल के सामने ही थाना प्रभारी ने दोनों महिलाओं को भद्दी भद्दी गाली दी और पता नहीं बताने पर मारपीट किया। नादरा और शबाना का कहना है कि फिरोज अगर दोषी है तो प्रशासन उसे सजा दे। दोनों महिला ने जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए बबरगंज थाना प्रभारी सिकंदर यादव पर कार्रवाई की मांग की है। वही थाना प्रभारी के द्वारा महिला की पिटाई की गई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। हास्यास्पद है कि भागलपुर के वरीय पुलिस पदाधिकारी पुलिस पब्लिक समन्वय की बात करते हैं, लेकिन जब पुलिस का महिलाओं के प्रति यह रवैया रहेगा तो आम लोगों में क्या संदेश जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। और हाल देखने वाली बात यह होगी कि वरीय पदाधिकारी ऐसे दबंग थाना प्रभारी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। शरीफ करीब 3:30 बजता होगा, मेरे घर गई तो मेरे को उठाई है, उठ उठ सर आया है। तो हमने क्या हुआ मैडम, तो उठ सर आया तो हम बाहर आए, बाहर आए तो सर इसके गुस्से हुए थे, बगल वाले कन गुस्से हुए थे सर। तो महिला पुलिस मेरे को बोलने लगी कि रे फिरोज को कहे ना सिलेंडर कराती है, जल्दी बेल हो जाएगा। है तो हमला देखिए मैडम, हम तो मुँह से ना बोल रहे हैं, मेरा इसमें कोई गलती है। तो महिला पुलिस भी चुप हो गई। इतने में फिर राहुल सर बोलने लगा कि रे ते ड्रामा करती है, बोलती है कि फिरोज को सिलेंडर कराबा बात तो कहे ना कराए। तो हम बोला कौन चीज की सर, हम क्या करें, हम मुँह से ना बोलेंगे, हम क्या करेंगे औरत की जात। और बड़ा बाबू आया कह के ते झूठ नाटक करती है, बोलती है कि सिलेंडर कराऊंगा ना कराती है। और छड़िया छड़ी मेरे को डंडे डंडे पैर में मारने लगा, मेरे सिर में मारने लगा, मेरा सिर दुखे लगा। और गंदा गंदा गाली बोलने लगा, कहा बोलिस कि 3 दिन के अंदर अंदर मगर सिलेंडर ना करावेगी तो यहाँ से तेको उठा के ले जाएंगे, सारे पुलिस से तेरा रेप करवावेंगे। क्या बोला? वही बड़ा बाबू बोला। क्या नाम उसका? उसका नाम बड़ा बाबू है, सिकंदर उसका नाम है। ज्यादा कहाँ का मारा था आपको? वही मेरे 3-4 डंटा पैर में मारा, देखिए पैर में मारा 3-4 डंटा, एक डंटा मेरे सर में मारा, सर में मेरा अभी तक मेरे सर में दर्द है। अरे पुलिस ये फिरोज ये है तो आप उसको पकड़िए कि महिला को मारिएगा, महिला का इसमें क्या गलती है। और लेडीज पुलिस दोनों खड़ी भी थी, अगर हमारा गलती सर रहता सर तो महिला पुलिस से मार के लाते कि आप मेरा जात मारिएगा। गाली भी बक रहा था, बड़ा बड़ा सारी सारी गाली, गंदा गंदा गाली। पति क्रिमिनल है सर तो आप उसको पकड़िए, आपके हाथ में तो कानून है, आप कैसे करके उसको पकड़िए कि महिला को आके मारिएगा पिटिएगा। नहीं तो एक काम करिए, गोलिया मार दिए महिला को तो ठीक रहेगा, मेरा ऐसा गाली ना सुनेंगे, किसी मर्द के हाथ का मर नहीं खाएंगे। वो बड़ा बाबू, जबकि हम कह रहे हैं कि मेरे बेटे का वहाँ फाइल किया हुआ है, 27 तारीख का डेट है, इससे पहले भी आए थे तो यही बात बोला था मुझको, 12 तारीख जानिए डेट बढ़ते रहता है, कोर्ट बदली होता है, उसमें मारना चाहिए ना। वो आके मारना शुरू कर दिया, देखिए ना यहाँ दाग, देखिए यहाँ पैर पे, मेरे टांग पे, हाथ पे, पूरा दम मारना शुरू कर दिया और गाली बकने शुरू कर दिया मेरी वाइफ को। दमंगे ही कर रहा था पूरा जी, पूरा दमंगे ही कर रहा था। हाँ, बहुत ज्यादा गंदगी बात बहुत ज्यादा बोलते हैं वो।
भागलपुर दातारपुर थाना क्षेत्र के पर्वती मोहल्ले में स्थित एक फूड रेस्टोरेंट में शनिवार की रात पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 5 युवकों और एक महिला को शराब पार्टी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का धंधा चलाया जा रहा है, जिसके सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। वहीं एक रूम से 5 युवक और एक महिला को शराब पार्टी करते हुए पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान एक शराब भरी बोतल, 14 खाली शराब की बोतल और 5 मोबाइल बरामद किया गया है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया। इधर रेस्टोरेंट संचालक संजय कुमार ने घटना से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि दुकान बंद कर वे घर चले गए थे, इसके बाद क्या हुआ इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। पकड़े गए हैं, लेकिन हमारा दुकान बढ़ा हुआ था। हमारा शॉप जो है 10:15 बजे हम बढ़ा के दुकान चले गए थे। हमने 10 बजे आए हैं दुकान, तो पता चला है कि जो है यहाँ से पकड़ के थाना लोग को ले गया है। लड़के लोग कहाँ पे थे? लड़के लोग होटल के स्टाफ लोग थे। आपको इसके बारे में जानकारी? इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, मतलब हमने देखे नहीं है कि, लेकिन हमने सुना है, हमने देखे नहीं होना हो तो वहाँ जाके देखे। हमारे शॉप में कोई, हमारे अलावा कोई है नहीं अभी स्टाफ पर, जो कि हमने सुना। श्रावण मास की पहली सोमवारी को बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने को लेकर भागलपुर के गंगा घाटों पर रविवार को कांवरियों की भीड़ जुटी रही। वहीं इसको लेकर भागलपुर के एसएम कॉलेज श्री घाट के समीप गायत्री कुंज महिला छात्रावास और कल्याण छात्रावास की ओर से डाक बम सेवा को लेकर निःशुल्क शिविर लगाया गया। इस दौरान विभिन्न जगहों से पहुंचे कांवरियों ने गंगा में डुबकी लगाकर जल उठाया और बोल बम और भगवान शिव के जय घोष के साथ बाबा वासुकीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। शिविर में छात्राओं और कर्मियों ने कांवरियों को जल और शरबत समेत कई जरूरी सेवा मुहैया कराई। वहीं इसको लेकर गंगा घाट के आसपास बाजार भी सज गया है, जहां लोगों ने पूजन सामग्री और बोर बम कांवरियों के जरूरत के सामान की खरीदारी की। आज सावन का पहला सोमवारी है, सीढ़ी घाट खंजरपुर से हम लोग कल्याण छात्रावास सुंदरवती महिला महाविद्यालय से हम लोग डाक सेवा के लिए मुरब्बा, लस्सी और शरबत और सादा जल का सेवा रखे हैं, और इसमें अधीक्षिका महोदया और समस्त कर्मचारी और समस्त स्टूडेंट सब मिल के सेवा में लगे हुए हैं। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में रविवार को डाक कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां शिव भक्तों ने उत्तरवाहिनी गंगा तट पर डुबकी लगाकर कांवर यात्रा शुरू की। वहीं दौरान डाक कांवरियों ने जिला प्रशासन द्वारा जारी रसीद कटाया और उत्तरवाहिनी गंगा का जल लेकर बोल बम के नारों के बीच देवघर के लिए अपनी पैदल यात्रा शुरू की। इसको लेकर कई डाक कांवरियों ने बताया कि कई वर्षों से पैदल डाक बम जा रहे हैं और 105 किलोमीटर की दूरी को 18 से 19 घंटे में पूरी कर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाते हैं। इसके अलावा सावन की पहली सोमवारी पर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए काफी संख्या में कांवरियों ने उत्तरवाहिनी गंगा जल लेकर बोल बम के नारों के साथ अपनी यात्रा शुरू की। इधर श्रावणी मेला को लेकर रविवार को एडीएम शिव कुमार श्याप ने सुल्तानगंज जहाज घाट में बने नमामि गंगे घाट का निरीक्षण किया और घाट पर साफ सफाई को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर सीओ शंभु शरण राय सहित कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। बांका की धोरैया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार की सुबह कुर्मा बाजार के समीप एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है, जबकि पुलिस ने कार और शराब के साथ दो कारोबारी को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसडीपी और डीसी श्रीवास्तव ने बताया कि शराब झारखंड से लाई जा रही थी, जबकि गिरफ्तार शराब कारोबारियों के पास से शराब के अलावा 4 एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 मोबाइल बरामद हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार लोगों ने कई अहम जानकारी दी है। इधर इसको लेकर धोरैया थाना प्रभारी महेश्वर प्रसाद राय ने बताया कि बांका एसडीपी और डीसी श्रीवास्तव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार से झारखंड की ओर से आ रही शराब की खेप को बिहार बॉर्डर कुर्मा बाजार के निकट रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने कार नहीं रोकी, जिसके बाद पुलिस टीम ने काफी मशक्कत के बाद कार समेत 2 लोगों को दबोच लिया। थाना प्रभारी ने कहा कि कार की तलाशी लेने पर चौंकाने वाला नजारा सामने आया। उन्होंने बताया कि कार्टून से कुल 613 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ है। वहीं गिरफ्तार तस्करों की पहचान कटिहार के महानाथपुर गांव निवासी मनोज स्वर्णकार के 22 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार एवं फलका थाना क्षेत्र के डूमर गांव निवासी गोपाल स्वर्णकार के पुत्र गौरव कुमार के रूप में हुई है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। Thank you.
आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवगछा के रहने वाले शैफू कुमारी का चयन दरोगा के लिए हो गया है, जिसको लेकर शैफू के परिवार में काफी खुशी का माहौल है। वहीं बेटी की इस कामयाबी पर खुशी जताते हुए शैफू की मां सोनी देवी ने कहा कि उनका सपना था कि उनकी बेटी एक दिन पुलिस की वर्दी पहनने के काबिल बने और आज उनका यह सपना पूरा हो गया। जबकि शैफू के दरोगा बनने से उत्साहित पिता विपिन बिहारी का कहना है कि उनकी दो पुत्री दरोगा के लिए तैयारी कर रही थी, जिसमें से बड़ी बेटी शैफू कुमारी का चयन हो गया और छोटी बेटी स्नेहा कुमारी फाइनल मेरिट लिस्ट में एक अंक से वह पीछे रह गई। वहीं अपनी सफलता के बाद शैफू कुमारी ने कहा कि वह जवाहर नवोदय स्कूल बौंसी की छात्रा रही है और 92% अंक से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, जबकि इंटर की परीक्षा में 82% अंक प्राप्त हुआ था। साथ ही शैफू ने बताया कि उसने SM कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वो दरोगा परीक्षा की तैयारी में जुट गई और उन्हें अपना मुकाम हासिल हो गया। खुशी तो बहुत ज़्यादा है कि मतलब उसको उसके मेहनत का फल मिला है और लड़की होने का नाम रोशन की है। बहुत ज़्यादा फख्र है हम लोगों को। मेरा सपना था कि मतलब मेरी तीन बेटी है ना, तीनों मतलब देश के लिए काम करें। हमको उसको वर्दी में देखने का बहुत बड़ा मतलब सपना था, जो कि आज वो साकार की है सपना को। और मेरा सपना ये था कि जब वो दरोगा बन करके आए तो दरवाजे पे आए वर्दी में, सबसे पहले पहला सैल्यूट जो है उसकी मम्मी उसको करेगी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई बहनों, अभिभावकों, शिक्षकों और सगे संबंधी को देना चाहूंगी। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई के बारे में कुछ बताएं। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई मेरे नानीघर कुर्सेला से शुरू हुई। उसके बाद मैंने GNV शक्तिनगर बांका से मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई की। उसके बाद मैं SM कॉलेज भागलपुर से स्नातक तक पढ़ी हूँ। मैंने अपनी तैयारी के लिए टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया। पढ़ाई के साथ साथ बाकी काम और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, फिर पढ़ाई करना, इन सबको मैंने काफी अच्छे से मैनेज किया। विश्व की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने नई पैशन XTEC बाइक लॉन्च किया है। इसके साथ ही हीरो पैशन XTEC देश भर में हीरो मोटोकॉर्प डीलरशिप में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह मोटरसाइकिल दो वेरिएंट्स ड्रम और डिस्क में पेश की गई है। इधर भागलपुर विनीत हीरो में नई पैशन XTEC बाइक लॉन्च होने के बाद प्रोप्राइटर पुष्पम झा ने बताया कि लगभग 90,000 में 112 सीसी की बाइक उनके शोरूम में उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पैशन XTEC कई आधुनिक फीचर्स से भी लैस है। बाइक में LED डिजिटल मीटर और ब्लूटूथ की सुविधा दी गई है। मैनेजर विमलेश पाठक ने बताया कि युवा पीढ़ी के लिए डिजाइन की गई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और नई पैशन XTEC सुविधा सुरक्षा और यूटिलिटी फीचर्स की रेंज से भरी हुई है, जो एक परेशानी मुक्त और सुखद राइडिंग एक्सपीरियंस का वादा करती है। सेल्स मैनेजर प्रियनंदन ने बताया कि पैशन XTEC बाइक 5 साल की वारंटी के साथ आता है, जो ब्रांड के भरोसे और विश्वसनीयता को दोहराता है। मौके पर राजेश बबली समेत शोरूम के सभी कर्मी और ग्राहक मौजूद थे। भागलपुर के चंद्रलोक कॉलोनी बागपाड़ी वार्ड संख्या 6 में पक्की सड़क, पुल, पुलिया निर्माण और नाला निर्माण समेत कई जन समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान स्ट्रीट लाइट, शुद्ध पेयजल और जल जमाव की निकासी की समस्याओं पर भी चर्चा करते हुए इन सभी परेशानियों का समाधान करने की दिशा में पहल करने का निर्णय लिया गया। मौके पर सुभाष कुमार यादव, शशिधर झा, छेदी मंडल और नीलेश नारायण समेत काफी संख्या में कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। यहाँ पे 70-80 घर है, यहाँ पे न रोड है, न नाला है, बिजली भी कहीं कहीं गई है और कहीं पहुंची नहीं है, पुल इसी तरह गिरा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ मुखिया को बोला जाता है, सांसद को बोला जाता है, विधायक को बोला जाता है, आवेदन दिया जाता है, कोई ध्यान नहीं है। न रोड बनता है, नाला बनता है, और नहीं तो जो भी सरकारी ज़मीन है उस पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, कोई बेचता है, कोई ध्यान नहीं देता है। भू माफिया का कब्जा है यहाँ पे,
और रोड नाला पे कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य का उसी तरह गलत असर पड़ रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के खानपुर पंचायत अंतर्गत इंग्लिश खानपुर गांव वार्ड नंबर 8 में पानी के लिए ग्रामीणों के बीच हाहाकार की स्थिति बन गई है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि गांव में राज्य सरकार की योजना के तहत एक बोरिंग कराया गया है, जिसका मोटर अक्सर खराब रहने के कारण ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में 300 से अधिक घर है, लेकिन सभी घरों में मुख्यमंत्री जल नल योजना का कनेक्शन नहीं होने से ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता है, जबकि गांव में लगे सरकार चापाकल से गंदा पानी निकलता है। इधर वार्ड सदस्य प्रतिनिधि का कहना है कि गांव में 2 बोरिंग की आवश्यकता है, जबकि यहां केवल 1 ही बोरिंग कराया गया है, जिसके कारण लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है और एक बोरिंग भी अक्सर मोटर खराब रहने के कारण जरूरत पूरी नहीं कर पाता है। साथ ही कहा कि इसके लिए अधिकारियों को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन अब तक बोरिंग की व्यवस्था नहीं हो सकी, जबकि वर्तमान में किए गए बोरिंग में पहले से ही काफी कनेक्शन किया जा चुका है। कहाँ घर हुआ? घर यहाँ इंग्लिश खानपुर हुआ, कहाँ हुआ? कितना दिन से पानी नहीं मिल रहा है? करीब 3-4 महीनों से हम लोग को नहीं मिल रहा है पानी। क्या दिक्कत है? पानी की दिक्कत है। मोटर कनेक्शन आया है? मोटर का कनेक्शन हम लोग को नहीं है। नहीं बढ़िया नहीं दे रहा है, पूरा खराब दे रहा है, बीमारी भी हो जाएगा। अच्छा अच्छा, रोटी भी नहीं चल रहा है 3 महीना। घर में कनेक्शन है? हाँ। पानी दे रहा है? पानी कहाँ आ रहा है, कनेक्शन है, पानी कहाँ आ रहा है? कितना दिन से नहीं आ रहा है? 3 महीना से। 6 महीना से। 6 महीना से पानी की दिक्कत है। कनेक्शन नहीं है घर में? दौलतपुर से आनी होती है 6 महीना से पानी। अच्छा, यहाँ मुख्यमंत्री जल जल योजना के नहीं लगाया क्या? हम लोग नहीं जानते, हम लोग मजदूर हैं। घर में नल का कनेक्शन हुआ है? कनेक्शन हुआ, लेकिन खाली नाम हुआ, एक को दिन पानी नहीं चला है सर। ने जाके देख लिया, इतनी मोटा पाइप दिया है और उसके बाद कोई एक गुण खोलता है तो इसमें हमें आईबे नहीं करते। जैसे मान लिया वो खोल दिया ना, हमें आईबे नहीं करता था कि ऊंचा पे है। भागलपुर सुल्तानगंज के खानपुर पंचायत उच्च विद्यालय काफी जर्जर अवस्था में है, जबकि यहाँ शिक्षकों की कमी के कारण भी छात्र छात्राओं को पठन पाठन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत में एक ही उच्च विद्यालय है जो पूरी तरह जर्जर है और इसके छत का मलबा टूट कर गिरता रहता है। उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षक का भी अभाव है, जिससे छात्र छात्राओं को पठन पाठन ठीक से नहीं हो पाता है। साथ ही कहा कि समस्या की जानकारी विभाग को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक अधिकारियों की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। हम लोग का बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, डर लगता है स्कूल में बच्चे को यदि हम भेजेंगे कहीं इसके माथे पर छत ना गिर जाए, इसलिए हम लोग बच्चे को, टीचर रहते हम बच्चे को नहीं भेजना चाहते स्कूल में। ये छत पूरी तरह से डैमेज है। कौन विद्यालय है ये? उच्च विद्यालय खानपुर है, 8 नंबर वार्ड। विद्यालय की स्थिति यही है कि समय पे ही चालू नहीं होता है, टीचर लोग समय पे आते हैं। स्कूल का हालत जर्जर है, न टेबल है, डेस्क बेंच कुछ नहीं है। इसकी शिकायत स्कूल सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। इसकी शिकायत करने पर यहाँ के टीचर को जब बोला जाता है तो लोकल टीचर होने के कारण वो लोग बात को दबा देता है, बार बार उल्टा सीधा बोल देता है, कहानी खत्म हो जाता है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बाबरगंज SHO पर महिलाओं ने लगाया मारपीट का आरोप, कहा पति है अपराधी तो उन्हें दे सजा, मुझे क्यों मारते हैं साहब। ततारपुर पुलिस ने शराब पार्टी करते 5 युवक को किया गिरफ्तार, सेक्स रैकेट की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची थी पुलिस। श्रावण की पहली सोमवारी को लेकर हजारों टाक कांवरिया देवघर और पासुकीनाथ धाम हुए रवाना, बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा कांवरिया पथ। शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान, भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। और नवगछिया के शेफू बनी सब इंस्पेक्टर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।